हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो मेरी यूनिट चल रही थी बेंडिंग स्ट्रेस, उसी का ये नया टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एंड सेक्शन मॉडल्स, है ना। तो स्टार्ट करते पहले मैंने सिमेट्रिक सेक्शन और अनसीमेट्रिक सेक्शन बता देता हूँ किस टाइप के होते हैं। सिमेट्रिक सेक्शन ये मैंने ऐसे एन और ए क्या न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस पे मैंने शो करके बताया है। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये सर्कुलर सेक्शन है, ये होलो सर्कुलर सेक्शन है, ये आई सेक्शन है। ये हमने बेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बताया, कैसे बताया समझ लेते हैं। जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है बेंडिंग स्ट्रेस, जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं बेंडिंग स्ट्रेस इंक्रीज होता है ना। बेंडिंग स्ट्रेस कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस तरह नीचे की ओर आते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस नीचे की ओर बढ़ता जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ही जैसे 22 ही बढ़ जाएगा जो है ना, वैसे वैसे अपना बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ेगा। इसी तरह नीचे भी जैसे जैसे 22 बढ़ेगा नीचे की ओर बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। ये क्या है बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब ऊपर क्या बोलेंगे, ये कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस है, नीचे क्या है, टेंशन बेंडिंग स्ट्रेस है ना। तो 22 नीचे की ओर क्या होता है टेंशन, ऊपर की ओर क्या होता है कंप्रेशन। इस तरह लेंथ है, वाई क्या है, लेंथ है कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से अपर लेयर तक की। सी मत कंप्रेशन की दर्शा रहा है और टी मीन्स टेंशन दर्शा रहा है ना। और इसमें क्या होता है डेप्थ इन कंप्रेशन, जो बाई सी इजकल टू बाई डी के बराबर, डेप्थ इन कंप्रेशन एंड डेप्थ इन टेंशन ये दोनों इक्वल होते हैं किसमें, सीमेट्रिक सेक्शन। अनसीमेट्रिक सेक्शन और सीमेट्रिक सेक्शन के यही एक बेसिक डिफरेंस है, जबकि अनसीमेट्रिक में ये एक दूसरे के इक्वल नहीं रहते हैं, जबकि सीमेट्रिक में ये दूसरे के इक्वल रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही देखो ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेशन स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, नीचे की ओर बढ़ेंगे तो टेंशन स्ट्रेस बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होता है जीरो होता है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं अनसीमेट्रिक सेक्शन। अनसीमेट्रिक सेक्शन में क्या होता है, इसमें भी देखो यहाँ पर जो रहता है बेंडिंग स्ट्रेस जीरो रहता है, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सेम रहेगा, जो कंप्रेशन स्ट्रेस बढ़ता जाएगा ऊपर की ओर, नीचे को टेंशन स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ पर टेंशन स्ट्रेस होता है बेंडिंग स्ट्रेस, और यहाँ पर क्या कंप्रेशन, ऊपर की ओर क्या होता है कंप्रेशन स्ट्रेस होता है। यहाँ पर भी बाईसी शो कराते हैं, है ना, डेप्थ इन कंप्रेशन और डेप्थ इन टेंशन दोनों की, मतलब 22 बढ़ेगा तो फिर ऊपर की ओर जैसे ही उसका बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और इधर 22 बढ़ेगा तो इसका बेंडिंग स्ट्रेस नीचे की ओर बढ़ता जाएगा, है ना। इसमें जो बेसिक डिफरेंस मैं बता रहा था अभी, डेप्थ इन कंप्रेशन नॉट इक्वल टू डेप्थ इन टेंशन, ये दोनों को YC और YT इसमें इक्वल नहीं होते हैं किसमें, अनसीमेट्रिक सेक्शन में। अनसीमेट्रिक सेक्शन और सीमेट्रिक सेक्शन और सारे होते हैं जो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन सेक्शन मॉडुलस, एक और टॉपिक लेते हैं सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, इसको जेड से डिनोटेट कर, सेक्शन मॉडुलस को जेड से डिनोटेट करते हैं। और जो आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू अपर लेयर तक, या फिर न्यूट्रल एक्सिस टू लोअर लेयर तक, है ना। इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, सेक्शन ऑफ मॉडुलस। इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिख दी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई, एंड डिस्टेंस ऑफ लेयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम बेंडिंग फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग होगा फ्रॉम कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से, वह डिस्टेंस वाई होती है। तो ये सेक्शन मॉडुलस की डेफिनेशन होती है। अब सेक्शन मॉडुलस एक्सिस के अबाउट निकलता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जब लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक्स एक्सिस आई एक्सिस के जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो लेंगे, और वाई एक्सिस होगा तो उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहेगा वो लेंगे, है ना। तो इसकी यूनिट क्या रहती है, इसकी देखो आई की क्या होती है एम की पावर 4, और इसकी क्या होती है एम डिस्टेंस की। तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम की पावर 3। तो एम की पावर 3 सेक्शन ऑफ मॉडुलस की यूनिट होती है। अब सेक्शन मॉडुलस फॉर वेरियस सेक्शंस, अलग बहुत डिफरेंट टाइप के सेक्शन होते हैं, जैसे सर्कुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, होलो सर्कुलर होता है। तो इनके लिए अपन सेक्शन मॉडुलस कैसे निकाल लेते हैं वो निकाल के देखते हैं। सेक्शन मॉडुलस फॉर वेरियस सेक्शन या केसेस के लिए, सर्कुलर सेक्शन पहला लिया, सर्कुलर सेक्शन एक सेक्शन लिया है मैंने सर्कुलर, जिसका डायमीटर माना डी है, और नीचे न्यूट्रल एक्सिस माना है, और ऊपर या वाई वाई एक्सिस है, और ये इधर कौन सी होती है एक्स एक्स एक्सिस, मैंने उसको न्यूट्रल एक्सिस। अब बाई एक्सिस है तो ऊपर की ओर देख रहे हैं जो न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ तक मैक्सिमम इसका बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो जो बाई होगा, बाई की डिस्टेंस क्योंकि डी पूरा है तो हाफ डी हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा। इस तरह न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की ओर होगा तो ये भी डी बाई टू हो जाएगा, क्योंकि डी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं जो सर्कुलर सेक्शन है उसके लिए आई एक्सिस और आई आई वाई वाई बराबर होते हैं,
तो अपन इसका क्या होता है, आई एक्स एक्स इजकल टू आई वाई वाई इजकल टू होता है पाई वाई 64 इंटू डी की पावर 4। इसका फॉर्मूला होता है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, किसके लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए, आई एक्सिस और दोनों में, है ना। तो अपन को क्या निकालना है, जेड निकालना है। जेड इजकल टू क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस इजकल टू क्या होता है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों के लिए निकालना है। अपन क्या होता है बाय, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एक्सिस क्या है पाई वाई 64 इंटू डी की पावर 4 अपॉन वाई इजकल टू क्या है डी वाई टू, वाई इजकल टू क्या है डी वाई टू, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई टू। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, पाई वाई 64 इंटू जे ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डी नीचे ही रहेगा, 2 बाय डी, 2 से जे का 32 चला हो जाएगा, एक डी से ए डी चले 3 डी बचेंगे। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इजकल टू पाई वाई 4, सॉरी पाई वाई 32, सॉरी पाई वाई 32 है ना, ये 32 बचेगा, पाई वाई 32 इंटू डी के पावर 3, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। इधर मैं साफ साफ लिख देता हूँ एक बार और जिससे आप क्लियर रहे, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई है ना इजकल टू क्या हो जाएगा पाई वाई 32 इंटू डी की पावर 3, है ना। इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, एमएम की पावर 3। सेक्शन ऑफ मॉडुलस की यूनिट निकालना मैंने दिखाया था, तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये वाला बनता है। नेक्स्ट सेक्शन के लिए लेते हैं, ऐसे एक हॉलो सर्कुलर के लिए, हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए निकालते हैं अपन, कैसे निकालेंगे, एक सेक्शन है, हॉलो सेक्शन है, इसको मैंने हैचिंग करके दिखाया, अंदर का हॉलो है, न्यूट्रल एक्सिस, वाई वाई एक्सिस और एक्स एक्स एक्सिस। अब क्या होता है इसका, मैंने छोटे छोटा सर्कल है उसका डायमीटर मैंने स्मॉल डी माना, बड़ा सर्कल है उसका डायमीटर मैंने कैपिटल डी माना है, और जो 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 न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ से अपर लेयर तक की, या फिर यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस है वहाँ तक की डिस्टेंस मैंने बाई माना, वो है ना बाई। अब बाई क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, क्योंकि टोटल जो है कि डायमीटर डी है तो डी बाई टू हो जाएगा, नीचे का भी डी बाई टू हो जाएगा, है ना। अब अपन जानते हैं हॉलो सेक्शन के लिए वो वही होगा सेम, आई एक्स एस इजकल टू आई वाई वाई इजकल टू क्या है पाई वाई 64 इंटू डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4, है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अपना आई जेड क्या होता है, जेड मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या होता है, आई एक्स एक्स या आई वाई वाई किसी के भी खिलाफ निकाल सकते हैं आप, किसी के भी है अगेंस्ट निकाल सकते हो, और नीचे क्या हो जाएगा बाई। अब इसका इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये क्या है ऊपर वाले की पाई वाई 64 इंटू डी की पावर 4 स्मॉल डी की पावर 4, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा बाय, बाय क्या है डी वाई टू, तो क्या हो जाएगा डी वाई टू, डी वाई टू डी वाई टू ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई वाई 64 इंटू पावर 4 स्मॉल डी की पावर 4 इंटू में पहुँच जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, कैपिटल डी नीचे पहुँच जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 32, तो जो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा क्या बन जाएगा, पाई वाई 32 इंटू ब्रैकेट में डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 अपॉन कैपिटल डी, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा जेड इजकल टू, कौन सी इजकल टू, जेड इजकल टू, है ना, ये हमारा फॉर्मूला बन गया जेड इजकल टू सेक्शन मॉडुलस का किसके अगेंस्ट, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन और एक्स एक्स। अब बाई वाई के भी निकालेंगे तो यही निकलेगा, आई आई एक्स एक्स के लिए भी निकालेंगे तो यही निकलेगा, है ना। अब नेक्स्ट लेते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए देखते हैं, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लिया हमने, उसकी जो डेप्थ है वो डी मान ली, और विड्थ है क्या बी मान ली है ना, बी विड्थ मान ली और डेप्थ डी मान ली। अब वही न्यूट्रल एक्सिस से अपर लेयर तक की जो डिस्टेंस है बाई माना है, इधर से एक्स एस माना है, क्योंकि एक्स एक्स के अपन अलोंग ले रहे हैं, तो यहाँ होगा बी वाई टू हो जाएगा, इधर की बी वाई टू हो जाएगा, इधर डी वाई टू हो जाएगा, इधर डी वाई टू हो जाएगा, है ना। ये तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से अपर लेयर तक की है, इधर भी न्यूट्रल एक्सिस से अब इस लेयर तक की है ना। तो इसके जो आई होता है वो बी डी क्यू अपन 12 और आई वाई वाई आजकल जो होता है डी बी क्यू अपन 12, इसके लिए आई वाई वाई और आई एक्स एक्स दोनों अलग अलग होते हैं।
है ना। तो अब फॉर्मूला वही लगाएंगे, जेड इजकल टू क्या होता है, आई पहले एक्स एक्स के अगेंस्ट निकाल रहा है तो क्या हो जाएगा बाय, आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, बी डी क्यू अपॉन 12 इंटू बाय क्या है, एक्स एक्स के अलोंग ले रहा है मतलब इसके अगेंस्ट निकाल रहा है तो अपन क्या लेंगे डी वाई टू। तो यहाँ डी वाई टू लिखेंगे क्या, बटे में लिखेंगे, दो ऊपर पहुँच जाएगा और डी नीचे आ जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा कैसे इसके बटे लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी वाई टू। तो आप फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, डी नीचे रहेगा और दो ऊपर पहुंच जाएंगे क्योंकि चौथे नंबर की वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी। तो इससे ये कट देंगे, 6 बार जाएगा डी से, क्या टू बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड इजकल टू बी डी स्क्वायर अपॉन 6, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके, एक्स एक्सिस के अलावा, एक्स एक्स के। अब वाई वाई के लिए निकाल देते हैं, जेड वाई वाई यहाँ भी लिख देते हैं ऐसे कन्फ्यूज ना हो आप, आई वाई वाई अपॉन वाई इजकल टू इसके लिए क्या, वाई वाई के लिए डी बी क्यू अपॉन 12 इंटू, क्यों इंटू में फिर लिख रहा है हम, क्योंकि दो ऊपर लिखेंगे और बी नीचे लिखेंगे। ये जो ये देखिए ये जो वैल्यू है वो एक्स एक्स की दी है क्योंकि अपन वाई के अलॉन्ग ले रहा है, तो वैल्यू कौन से लेंगे एक्स एक्स वाली। तो ये क्या है बी वाई टू, बी वाई टू है तो मतलब टू ऊपर पहुंच जाएगा बी नीचे आएगा, दो से एक कट जाएगा बी से एक कट जाएगा, ये दो बचेगा। तो अब इसका जो जो फॉर्मूला बनेगा जेड वाई वाई इजकल टू डी वी स्क्वायर अपॉन 6, तो ये फॉर्मूला बन गया है दोनों के लिए। इसकी जो यूनिट होती है वो एमएम की पावर क्यू और सेंटीमीटर की पावर क्यू या फिर मीटर की पावर क्यू, इस तरह इसकी भी यूनिट जो होगी वो एमएम की पावर क्यू और सेंटीमीटर की पावर क्यू और मीटर की पावर क्यू, कुछ भी हो सकती तीनों में से, है ना। और भी सेक्शन के लिए अपन निकाल सकते हैं, सिर्फ अपन को उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया मालूम हो और बाई की वैल्यू अपन सिमेट्री है जो अपनी न्यूट्रल एक्सेस है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, है ना। इसका हॉलो भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने सर्कुलर सेक्शन का हॉलो निकाला, आप भी इसका निकाल सकते हैं ना। एक स्मॉल बी मान लेना, एक कैपिटल बी मान लेना, या बी वन बी टू भी मान सकते हैं। इस तरह इसमें भी डी वन डी टू मान के अपन सेम मेथड से अपन इसको निकाल सकते हैं, है ना। सिर्फ अपन इसको जो वैल्यू होंगी वो अलग अलग मानना पड़ेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अगर कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।